जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी 16वीं वंदे भारत ट्रेन के लॉन्चिंग डेट के बारे में। आप सबको तो पता ही होगा कि हमारी 16वीं वंदे भारत ट्रेन हावड़ा और पुरी के बीच में चलने वाली है और इस ट्रेन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इस ट्रेन को 4 मई को ही लॉन्च करने का प्लान किया था भारतीय रेलवे ने, लेकिन 4 मई को इसकी लॉन्चिंग नहीं हो पाई। लेकिन अब इसका फाइनली डेट निकल के आ चुका है जिस दिन इस वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करेगी भारतीय रेलवे। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और आप लोगों का भी काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि हावड़ा पुरी वंदे भारत ट्रेन कब लॉन्च होगी, तो एक एक चीज के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जितने भी न्यू व्यूअर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हावड़ा और पुरी के बीच में हमारी 16वीं वंदे भारत ट्रेन चलने जा रही है और ये वंदे भारत ट्रेन हावड़ा और पुरी के बीच में लगभग 500 यानी कि 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी और ट्रेवल टाइम 6 आवर 30 मिनट यानी कि 6.5 घंटे के आसपास ट्रेवल टाइम लेने वाली है। इस ट्रेन का एवरेज स्पीड रहने वाला है हावड़ा से पुरी के बीच में 77 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड रहने वाला है 130 kmph और ये वंदे भारत ट्रेन 16 कोच के साथ ऑपरेट होगी जिसमें आपको 12 चेयर करके कोच, 2 एग्जीक्यूटिव क्लास और 2 ड्राइविंग केबिन देखने को मिलेगा। और हावड़ा और पुरी के बीच में ऑलरेडी शताब्दी एक्सप्रेस अभी फिलहाल ऑपरेट होती है और इस शताब्दी एक्सप्रेस को हावड़ा से पुरी पहुंचने में लगभग 7 घंटे और 35 मिनट का समय लगता है अभी, लेकिन हमारी इस वंदे ट्रेन के चलने से इस ट्रेवल टाइम में 1 से 1.5 घंटे का कटऑफ हो जाएगा। और दोस्तों इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होती है तो पश्चिम बंगाल की दूसरी और उड़ीसा की पहली वंदे भारत भी होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि इससे पहले हावड़ा जंक्शन से ऑलरेडी हावड़ा NJP वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट होती है जिसको पिछले साल 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। तो अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया कि आखिर इस वंदे भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे कब लॉन्च करने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हावड़ा और पुरी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत को आने वाले 15 मई 2023 को लॉन्च किया जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट काफी ज्यादा अभी निकल के आ रहे हैं और जितने भी बड़े मीडिया एजेंसी है अपने इंडिया में लगभग सभी मीडिया एजेंसी ने रिपोर्ट निकाल दिया है। इसका मतलब ये डेट लगभग कंफर्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं आगे बात करने वाला हूं कि इस लॉन्चिंग में एक बहुत बड़ा रुकावट आने वाला है और हो सकता है कि 15 मई को हावड़ा और पुरी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का लॉन्चिंग नहीं हो पाए। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या रीजन होगा जिसकी वजह से इसका डेडलाइन बढ़ सकता है। अगर हावड़ा पुरी वंदे भारत के एक्सपेक्टेड होल्ट के बारे में बात कर लें तो ये हावड़ा से खुलने के बाद भुवनेश्वर, कटक, भद्रक, बालासोर जैसे स्टेशनों पर रुकते हुए उड़ीसा के पुरी तक ट्रेवल करेगी। इसी तरह हावड़ा पुरी वंदे भारत के एक्सपेक्टेड फेयर के बारे में बात कर लें तो हावड़ा से पुरी के बीच में इस ट्रेन का CC यानी कि चेयर कार का फेयर लगभग 1590 रुपए के आसपास आपको पे करना होगा, वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास का फेयर लगभग 2815 रुपए आपको पे करना पड़ सकता है। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा या फिर थोड़ा कम देखने को मिल सकता है क्योंकि ये ऑफिशियल फेयर नहीं है, लेकिन फेयर इसके आसपास ही होने वाला है। और दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी होने वाली है और इस ट्रेन को 15 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्लैग ऑफ कर सकते हैं। हालांकि इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया जाएगा या फिर PM मोदी खुद आकर इसको फ्लैग ऑफ करेंगे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और एक और काफी बड़ा अपडेट है कि इस वंदे भारत को पूरी से इनॉग्रेट किया जा सकता है, ये भी काफी बड़ा अपडेट है इसको लेकर, क्योंकि ये उड़ीसा की पहली वंदे भारत ट्रेन होने जा रही है तो इसका इनॉग्रेशन पूरी से ही होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस वंदे भारत ट्रेन के इनॉग्रेशन में रुकावट क्या आने वाला है, कि आखिर क्या रीजन होगा कि इसका डेडलाइन आगे बढ़ सकता है। तो ये रीजन काफी ज्यादा खतरनाक रीजन है क्योंकि आप सबको पता है कि मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक मोका या फिर मोचा चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में लैंड होने वाला है यानी कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों से टकराने वाला है और इसको लेकर जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और इस तूफान का नाम मोका रखा गया है और ये मोका तूफान अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। भारतीय विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा गहरा दबाव आज यानी 11 मई को एक चक्रवाती तूफान मोका में बदल जाएगा। इसका असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा। इसे बंगाल की खाड़ी के नजदीकी तटीय राज्यों में तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। तो अगर इस मोका तूफान या फिर मोचा तूफान, इसका दो नाम अभी फिलहाल बताए गए हैं, तो अगर इस तूफान का असर उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल में होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी हावड़ा पुरी वंदे भारत के इनॉग्रेशन के ऊपर इसका इफेक्ट होने वाला है और इसको लेकर सरकार अभी येलो अलर्ट मूड पर है। हालांकि ये तूफान जब बंगाल के तटवर्ती इलाकों से टकराएगा तभी इसका एक्चुअल साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आखिर ये तूफान कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। और हम ऐसा भगवान से प्रार्थना करें कि इस तूफान को लेकर कहीं भी कोई क्षति न हो। लेकिन इस तूफान के टकराने के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगर इसका असर होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी हावड़ा पुरी वंदे भारत ट्रेन डिले हो सकती है।
है और इसका जो इनॉग्रेशन डेट है वो भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन ये आपसे शेयर करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए ये बात मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 15 मई को हावड़ा और पुरी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का इनॉग्रेशन हो जाएगा और 1 से 2 दिन बाद इसका ऑफिशियल अपडेट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी और उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।